आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज। खबर है सीतापुर से, जहां कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए जहां देश को लॉकडाउन कर दिया गया है, वहीं रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए डीएम व एसपी ने भ्रमण कर पूरे शहर का लिया जायजा। आपको बताते चले कि सीतापुर जिले में डीएम व एसपी ने रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को समय से उपलब्ध कराने के लिए और सब्जी मंडी व किराना दुकानों का भ्रमण करते हुए जनता को उचित मूल्य पर समय से आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए तथा यह भी सुनिश्चित किया कि आज दूसरे दिन लॉकडाउन में जनता का पूरा सहयोग मिला। हर वर्ग के लोग हैं जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया। जो बिना प्रयोजन इधर उधर टहल रहे हैं उनको समझाया गया, न मानने पर उनका चालान भी किया गया। किराना दुकानों पर रेट डालकर सामान बेचने को कहा गया तथा लॉकडाउन दुकान पर एक दो घंटा खोलने पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिसमें हमने पूरा दिन जरूरल स्टोर को खोलने का फैसला किया। वही होम डिलीवरी करवाने का पूरा प्रयास लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शुल्क दुकानदार होम डिलीवरी भी किया जा रहा है और सब्जी दुकानों ने अभी भीड़ न लगने दें, ऐसा उन्होंने निर्देश भी किया। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सभी मीडिया का 112 तथा ऑफिसर्स का भी सहयोग मिला, इसके लिए हम उन सबके आभारी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऑन कॉल जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या कहना है आपका? मेरे यहाँ सीतापुर जिले में लॉकडाउन का दूसरे दिन पर ये हाल है कि सीतापुर जिला अधिकारी व एसपी के द्वारा मार्केट का भ्रमण किया गया। सब्जी मंडी के सवाल है, हम यही चाह रहे हैं सब्जी मंडी में काफी भीड़ इकट्ठा ना हो, तो उनको भी हम हिदायत दे रहे हैं, उनको भी इंकरेज कर रहे हैं, वो लोग भी होम डिलीवरी गली के अंदर फेरे लगाकर वहाँ बिक्री करें। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका लोगों का फीडबैक, हमारा 112 का फीडबैक और शाम के हम लोग का कितने भी ऑफिसर्स के फीडबैक के अनुसार हम लोग चेंज करते समय।